नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। आज का मैच है बेंगलोर वर्सेस लखनऊ के बीच में। आज हम लखनऊ वर्सेस जो बेंगलोर का मैच होने वाला है, इसका यहाँ पे ड्रीम इलेवन प्रेडिक्शन करने वाले हैं। किस तरह का टीम रहने वाला है, कौन से वो 11 प्लेयर रहने वाले हैं जो हमें आज ग्रैंड लीग में मैच जिताएंगे, कौन से वो 11 प्लेयर हमें सेलेक्ट करने हैं उन 22 प्लेयरों के बीच में से। तो सबसे पहले यहाँ पे हम आज बात करेंगे पिच रिपोर्ट क्या है। जैसे कि हर वीडियो में हम बात करते हैं पिच रिपोर्ट कैसे पता करना है, पिच रिपोर्ट जानना बहुत जरूरी होता है। दोनों टीमों का हेड टू हेड रिकॉर्ड जानेंगे, साथ साथ यहाँ पे टॉप बैटर्स जानेंगे, टॉप बॉलर्स जानेंगे, साथ प्लेइंग इलेवन पर भी बात करेंगे, कौन से प्लेयर प्लेइंग इलेवन में आज रहने वाले हैं, कौन से चेंजेस होने वाले हैं, सब कुछ फुल डिटेल में आज हम बात करने वाले हैं। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे मैच को ओपन करके यहाँ पे देख लेते हैं पिच रिपोर्ट क्या है आज के मैच का। तो अगर हम पिच रिपोर्ट की बात करें तो जो पिच रिपोर्ट है, कौन से वेन्यू पर यह मैच हो रहा है, सबसे पहले जानना ये जरूरी होता है। तो वेन्यू की बात कर ले तो जो ये मैच होने वाला है आरसीबी लखनऊ के बीच में, तो सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं जो पिछले के 5 मैचेस उनमें कौन कितने मैच जीता है। तो बेंगलुरु की बात करें तो बेंगलोर ने यहाँ पे 2 मैच जीत हासिल किया है, और अगर हम लखनऊ की बात करें, लखनऊ में 3 मैच जीत हासिल किया है। अगर आप बात करेंगे दोनों के 5 मैच में जो मैच खेले गए हैं उसकी बात करें तो, और 3 में हार का सामना करना पड़ा है आरसीबी को, और यहाँ पे 2 में हार का सामना करना पड़ा है लखनऊ को। तो इस तरह से यहाँ पे दोनों मैचों के स्टेट्स हो गया। अब बात कर लेते हैं पिच का। तो ये पिच तो ये जो मैच होने वाला है ये बेंगलुरु में होने वाला है, यानी कि ये आरसीबी का होम ग्राउंड रहने वाला है, यानी कि रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु अपने होम ग्राउंड पे मैच खेलने वाली है। तो बताते हैं अभी तक जो रिकॉर्ड यहाँ पे शो कर रहे हैं, टोटल 15 मैच खेले गए हैं जिसमें से 13 मैच जो होम ग्राउंड टीम है उन्होंने जीता है, बाकी 2 मैच जो है जो होम ग्राउंड टीम है वो अपना हारी है। एक तो यहाँ पे बेंगलोर भी अपना मैच हार चुकी है अपने ही होम ग्राउंड पे, और दूसरा कल मुंबई इंडियंस अपने ही ग्राउंड पे मैच हार चुकी है। तो आज का किस तरह का रहने वाला है यह मैच, अगर हम बात करें लखनऊ और आरसीबी का जो मैच होने वाला है, पिछले साल जो मैच हुआ था इसमें लखनऊ ने बाजी मारी थी, लखनऊ ने आरसीबी को मैच हराया था। तो इसी तरह से बात करें आगे पिच रिपोर्ट की, तो बैटिंग पिच है और यहाँ पे पेसर्स को ज़्यादा मदद मिलने वाला है, यानी कि पेसर्स यहाँ पे आज ज़्यादा इनको मदद मिलेगा, उनको ज़्यादा सीम मिलने वाली है, पिच उन्हीं के फेवर में रहने वाला है। स्पिनर्स को यहाँ पे कम मदद मिलने वाला है। पहले ओवरऑल विकेट भी देख लेते हैं। टोटल जो एवरेज रन स्कोर है 189 का है, इस ग्राउंड का जो एवरेज रन स्कोर है वो 189 का, यानी कि 190 या 200 के आसपास यहाँ पे स्कोर आने वाले हैं। अगर हम विकेट्स की बात करें, 10 विकेट गिरे हैं जिसमें 7 पेसर्स को, मात्र 3 विकेट स्पिनर्स को मिले हैं। तो यहाँ पे इस पेसर्स को ज़्यादा मदद मिल रहा है अगर हम पिच रिपोर्ट के हिसाब से देखें। लेकिन जो कल का सीन हुआ, कल जो मैच हुआ उसमें भी पिच रिपोर्ट यही शो कर रहा था, 201 का जो एवरेज रन स्कोर था वो 203 फर्स्ट इनिंग का था और 201 रन यहाँ पे सेकंड इनिंग था। लेकिन हुआ क्या, उससे उसके उलट हुआ। पहले इनिंग का जो मैच हुआ वो 125 रन हुआ, दूसरे इनिंग में भी बैट्समैन को परेशानी हुई, हालांकि रियान पराग ने बढ़िया खेला था तो वहाँ पे उन्होंने मैच को निकाल ले गए। तो देखे जाए तो बैटिंग पिच पे थे, बॉलिंग जबकि वहाँ पे पेसर्स को मदद मिलता है, लेकिन वहाँ पे स्पिनर्स ने अच्छा कमाल किया था, स्पिनर्स को मदद मिला था। तो यहाँ पे आज इस मैच का भी जो पिच रिपोर्ट शो कर रहा है 189 का एवरेज स्कोर है, पेसर्स को यहाँ भी मदद मिल रहा है। तो हर एक पिच एक समान नहीं होता है, कि कल मुंबई इंडियंस का जो मैच हुआ था मुंबई के पिच पे किस तरह के बॉलर्स ने परफॉर्मेंस किया था, तो जरूरी नहीं कि वही परफॉर्मेंस यहाँ पे भी रिपीट हो सकता है। यहाँ पे जो आपका पिच रिपोर्ट शो कर रहा है यही पे रहने, इसी तरह का यहाँ पे खेल दिखने वाला है। यहाँ पे जो पिच रिपोर्ट शो कर रहा है इसी तरह का यहाँ पे मैच होने वाला है। बताते हैं आपको टोटल 10 विकेट में से 7 पेसर्स मिले, यानी कि टोटली ये पेसर्स फ्रेंडली पिच है। अगर यहाँ पे दोनों टीमों का हेड टू हेड रिकॉर्ड देखें तो यहाँ पे टोटल 4 मैच खेले गए हैं, आरसीबी ने यहाँ पे 3 मैच जीत दर्ज किया है, और वहीं पर लखनऊ की बात करें वो मात्र 1 मैच में दर्ज किया है। तो अगर इस तरह से आप रिकॉर्ड देखें तो यहाँ पे आरसीबी का पलड़ा भारी लग रहा है। अगर हम टॉप पिक की भी बात कर लेते हैं, रन देख लेते हैं पहले, तो विराट कोहली ने 382 रन बनाए हैं, अनुज रावत ने 164 और फाफ डू प्लेसिस 149 रन बनाए हैं। तो यहाँ पे तीनों प्लेयर टीम में अवेलेबल हैं, तीनों ही प्लेयर टीम में रहेंगे और टॉप बैटर हैं आरसीबी की टीम के। अगर वही लखनऊ की हम बात करें तो लखनऊ में क्विंटन डिकॉक 242 ये भी अवेलेबल हैं, आयुष बदोनी 158 ये भी अवेलेबल हैं, और यहाँ पर निकलस पूरन है वो भी टीम में अवेलेबल हैं। तो आगे हम बात कर लेते हैं विकेट्स की। विकेट में यहाँ पे विजय कुमार भिस्सिया अवेलेबल हैं टीम में, 7 विकेट लेकर सबसे आगे हैं, मोहम्मद सिराज 5 विकेट, एस दयाल 3 विकेट। तो बात करें यहाँ पर लखनऊ की, तो मयंक यादव ने यहाँ पे 10 विकेट लिए हैं, मोहसिन खान ने यहाँ पे 9 विकेट लिए हैं। उसी तरह से यहाँ पे नबील उलहक का भी आप देखेंगे तो रिकॉर्ड इनका 7 विकेट का है। तो यहाँ पे प्लेयर आपने देख लिए किस तरह का यहाँ पे प्लेयर ने परफॉर्मेंस किया है, या टॉप बैटर्स भी हमने देख लिए, टॉप जो विकेट टेकर्स हैं उनको भी हमने देख लिया। तो जो हमने यहाँ पे 6-6-12 प्लेयर आपको दिखाए हैं, आपको बॉलर में से और बैट्समैन में से जो आपको दिखाया गया है, उसमें से आपको यहाँ पे 3-4 प्लेयर अपनी टीम में रखना है, वो आपके टीम में रहने वाले हैं आज के। तो अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि कौन से प्लेयर को अपने टीम में अपने रखना है। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये आ जाता है, क्योंकि आपको यहाँ पे बैट्समैन के ऑप्शन आपके बहुत सारे मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे टॉप बैट्समैन जो है उनको अपनी टीम में सेलेक्ट कर लेते हैं।
तो सबसे पहले यहाँ पे अपने टॉप बैट्समैन को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं जो टॉप बैट्समैन है। दोस्तों उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आपको वीडियो के नीचे जाना है, वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, लिंक भी क्लिक करके आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है अगर आपको ड्रीम इलेवन में ग्रैंड लीग जीतना है। ड्रीम इलेवन में अगर आपको अच्छी रैंक लाना है तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखना है, क्योंकि वहाँ पे फाइनल जो टीम का अपडेट रहता है वो वहीं पे मिलता है। जो ये प्रॉपर मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ ये ग्रैंड लीग का वीडियो है, आपको वहाँ पे स्मॉल लीग और हेड टू हेड की टीमें दी जाती हैं, साथ ही साथ वहाँ पे ग्रैंड लीग की भी एक दो टीमें दी जाती हैं। एक तो आपको ये वीडियो वाली टीम रहती है जिसमें क्या है कि इसको भी आपको फाइनल टीम नहीं समझना है, इसमें भी हम चेंजेस करते हैं जैसे ही लाइनअप आउट होता है, क्योंकि लाइनअप आउट होने के बाद वहाँ पे कुछ प्लेयर को सब्स्टिट्यूट में डाल दिया जाता है, कुछ प्लेयर्स नहीं रहते हैं, कुछ प्लेयर नए प्लेयर को इंक्लूड किया जाता है, तो उसकी वहाँ पे उस वजह से आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखना है, क्योंकि इस टीम को आपको फाइनल टीम नहीं समझना है। जो भी फाइनल टीम रहता है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे ही अपडेट कर दिया जाता है। इस टीम से रिलेटेड अगर एक मास लगभग एक या दो ही चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं, बाकी यहाँ पे जो कैप्टन वाइस कैप्टन का जो ऑप्शन रहता है वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पे ही फाइनल अपडेट दिया जाता है। यहाँ पे मैं आपको कैप्टन वाइस कैप्टन तो दूंगा, लेकिन जो फाइनल कैप्टन और वाइस कैप्टन का जो ऑप्शन रहता है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर फाइनल जो लाइनअप आउट होता है उसके बाद ही मिलता है। एग्जैक्ट आपको प्रेडिक्शन चाहिए तो उसके लिए आपको वहाँ पे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखना है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं आपको कि विकेट कीपर सेक्शन से किस प्लेयर को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। विकेट कीपर में अभी के लिए यहाँ पे क्विंटन डिकॉक के चलते हैं, और लोकेश राहुल भी आपके ऑप्शन है सर, लेकिन लोकेश राहुल का जो पिछला मैच था वो इंजरी थी, उसमें निकलस पूनर ने साफ साफ बताया था कि वो इंजरी है उनके साथ में। अगर टीम में अवेलेबल रहते हैं तो हम लोकेश राहुल के साथ भी जा सकते हैं, लेकिन अगर इंजरी के देखते जैसे पिछले मैच में परफॉर्म नहीं कर पाए थे, अगर इस मैच में भी हम डाउट इसीलिए बोल रहे हैं आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखना है, जो भी डाउट होगा वो लाइनअप आउट होने के बाद क्लियर कर देता है कि लोकेश राहुल को अपनी टीम में रखना है या नहीं रखना है। तो अभी के लिए हम यहाँ पे क्विंटन डिकॉक और निकलस पूरन को अपनी टीम में रख सकते हैं। निकलस पूरन को भी अभी के लिए हम सिर्फ क्विंटन डिकॉक के साथ आगे बढ़ते हैं। बैट्समैन सेक्शन हमारे पास विराट कोहली, फॉफ के भाई ऑप्शन आपके पास है। फॉफ डुप्लेसिस का रिसेंट का फॉर्म आप देखेंगे तो उतना अच्छा नहीं है, एक बार रिकॉर्ड देख लेते हैं इनका, देख सकते हैं आप जो है इन्होंने 55 पॉइंट पहले मैच में अर्न किए थे और 7 पॉइंट इनका दूसरे में था, 14 पॉइंट उन्होंने तीसरे मैच में अर्न किए थे, तो उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं। इनका पिछला सीजन जो भी छोटी बड़ी लीगें खेली हैं उसमें भी फाफ की जो परफॉर्मेंस है वो डाउन रहा है, फाफ का जो जो परफॉर्मेंस था वो नहीं है। तो यहाँ पर हम अभी के लिए हम फाफ डुप्लेसिस को ड्रॉप कर रहे हैं, फाफ डुप्लेसिस को अपने साथ नहीं रख रहे हैं। हमारे पास काइल मार्स का ऑप्शन है, हमारे पास देवदत्त पड्डीकल का ऑप्शन है, देवदत्त पड्डीकल को आपको अपनी टीम में रखना है, देवदत्त पाटिकल को यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद देखेंगे रजत पाटीदार का ऑप्शन है, आयुष बदोनी है, तो यहाँ पे हम अभी सिर्फ विराट कोहली और देवदत्त पाटिकल के साथ आगे बढ़ते हैं। ऑलराउंडर सेक्शन में आपको प्लेयर मिल जाएंगे, ग्लेन मैक्सवेल को अपनी टीम में रखना है आपको, हालांकि हालिया फॉर्म अच्छा नहीं है, लेकिन ग्लेन मैक्सवेल ऐसे प्लेयर हैं जो IPL में अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं और आने वाले मैचेज भी अच्छा कर सकते हैं, तो मैक्सवेल को अपने साथ रखना है। स्टोनिस का भी आप देख लेते हैं, स्टोनिस का भी इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा है, अगर आप देखोगे तो बैट एंड बॉल का ऑप्शन, इन्होंने पहले मैच 7 पॉइंट अर्न किए थे, बॉलिंग से 0 पॉइंट था, बैटिंग से 3 पॉइंट था। अगर हम यहाँ पे देखें PBKS से 27 बैटिंग पॉइंट थे, 0 यहाँ पे बॉलिंग पॉइंट थे, तो यहाँ पे स्टोनिस को भी आप यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं, उनकी जगह पे आप क्रिस ग्रीन और कुणाल पांड्या को अपनी टीम में रख सकते हैं। कुणाल पांड्या आज विकेट ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जिस तरह का पिच है पेसर्स को मदद मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे जिस तरह से कुणाल पांड्या तेजी से बॉल डालते हैं वो इनको मदद करेगा। आज कुणाल पांड्या बॉलिंग से परफॉर्म कर सकते हैं और बैटिंग में भी इनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, जो कि आप पिछले मैच में देखी चुके कितना शानदार बल्लेबाजी किया था कुणाल पांड्या ने। तो यहाँ पे और भी ऑप्शन आपके पास मिल जाते हैं, लेकिन अभी ऐसे प्लेयर नहीं दिख रहे हैं जिन्होंने लास्ट मैच खेला था या जिनको प्रोबेबल चांसेस हैं कि वो टीम में जगह बना सकते हैं। अगर हम देखें पास्ट लाइनअप की, तो पास्ट लाइनअप भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए कुछ इस तरह का टीम सिलेक्शन किया गया था। हमने यहाँ पे विराट कोहली को ले लिया है, कैमरन ग्रीन को ले लिया है, ग्लेन मैक्सवेल के लिए फाफ को ड्रॉप किया है, इधर राहुल को ड्रॉप किया है, इधर स्टोनिस, निकलस पूरन, आयुष बदोनी को हमने ड्रॉप किया है, कुणाल पांड्या को हमने अपनी टीम में रखा है। अभी और आपके देख लेते हैं हमारे ऑलराउंडर सेक्शन में प्लेयर हो गए हैं, हम यहाँ पे बॉलर्स का भी ऑप्शन हमारे पास मिल जाता है। बॉलर्स में हम यहाँ पे मोहम्मद सिराज, रवि बिश्नोई, हालांकि इसमें उसको कम मदद मिली लेकिन तब भी हम रवि बिश्नोई के साथ चलते हैं। नबीन अलहक को सिलेक्ट कर लेते हैं। एक आपको यहाँ पे अगर हम ऑलराउंडर सेक्शन देखें, RCB के हमने दो बॉलर ले लिए हैं और यहाँ पे LSG के दो बॉलर लिए हैं, तो यहाँ पे हम LSG से एक पेसर्स भी हमें लेना पड़ेगा। यहाँ पे LSG से एक पेसर्स नबीन उलहक हमने ले लिया है। नबीन उलहक और विराट कोहली का जो दोनों का मैचअप है वो देखने लायक, दोनों के बीच में काफ़ी टफ कंपटीशन देखने को मिलता है, तो नबीन उलहक को अपनी टीम में हम रख लेते हैं। मोहम्मद सिराज RCB से, रवि बिश्नोई लखनऊ से और मोहन नबीन उलहक हम यहाँ पे लखनऊ से रख लिए हैं। अलजारी जोसफ का पास ऑप्शन है, फॉर्म उतना अच्छा नहीं है, इसदयाल भी हैं उतना अच्छा फॉर्म नहीं है। यहाँ पे हमने प्लेयर सेल के लिए हमारे दो ऑप्शन बचते हैं, बैट्समैन के सेक्शन में हम चलते हैं। विकेट कीपर हमारे पास एक तो निकलस पूरन हो जाएंगे, दूसरा हम यहाँ पे
अनुज राउत को अपनी टीम में रख लेते हैं, लाइनअप एक बार चेक कर लेते हैं किस तरह का है। यहाँ पे अनुज राउत का बैटिंग पोजीशन क्या है, हमने रजत पाटीदार को ड्रॉप किया अनुज राउत के लिया है, और यहाँ पे हमने लखनऊ से 6 और आरसीबी से 5 प्लेयर लिए हैं। टीम हमारी तैयार हो चुकी है, एक बार प्रीव्यू कर लेते हैं किस प्रकार से टीम क्रिएट हुई है। देख सकते हैं क्विंटन डिकॉक, निकोलस पूरन, अनुज राउत हमारे विकेट कीपर सेक्शन से हैं, यानी कि आरसीबी से 1 और लखनऊ से 2 विकेट कीपर, कोहली और देवदत्त पट्टिकल बैट्समैन सेक्शन से, ग्लेन मैक्सवेल, क्रिस ग्रीन, कैमरन ग्रीन, कुणाल पांडे आपको ऑलराउंडर में दिख जाएंगे, सिराज, रवि बिश्नोई और नबीन उल हक। तो इस प्रकार से टीम हमने क्रिएट कर ली है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होता है। देखिए हर एक मैच में, हर एक वीडियो में हम बताते हैं कि जो भी कैप्टन वाइस कैप्टन हमारा बनता है वो पिच रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ही बनता है। पिच रिपोर्ट पहले हम जानते हैं, उसके बाद ही कैप्टन वाइस कैप्टन का ऑप्शन हम सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे कैप्टन का जो सबसे सटीक जो ऑप्शन है ये हमारे पास विराट कोहली का है, 37% लोगों ने इनको अपनी टीम में रखा है। तो आप भी यहाँ पे विराट कोहली को सिलेक्ट कर सकते हैं। विराट कोहली को जो हालिया फॉर्म में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देख सकते हैं 89% एवरेज इनका पॉइंट है, और अगर आप देखो पहला मैच छोड़कर दोनों मैचों में इन्होंने 124 और 117 पॉइंट अर्न करके दिए हैं। दोनों मैचों में हाफ सेंचुरी लगाई हैं, 77 और 60 प्लस स्कोर इन्होंने करीब बनाए। तो यहाँ पे सबसे पहला जो बैट्स कैप्टन वाइस कैप्टन का ऑप्शन है वो विराट कोहली है। दूसरा आप अगर वाइस कैप्टन की बात कर लें तो यहाँ पे कैमरन ग्रीन का भी आपके पास ऑप्शन है, मैक्सवेल का भी ऑप्शन है। हालांकि अगर हम पास्ट लाइनअप देखें तो बैटिंग पोजीशन देख लेते हैं कौन सा प्लेयर किस नंबर पे आता है, तो क्विंटन डिकॉक हो गए, देवदत्त पड्डीकल हो गए, मार्कस स्टोनिस हो गए, निकोलस पूरन हो गए, यहाँ पे ये बैट्समैन आपको दिख जाएंगे। तो आज के मैच में थोड़ा सा हम यूनिक कैप्टन वाइस कैप्टन बनाते हैं, विराट कोहली कैप्टन और वाइस कैप्टन यहाँ पे हम आज देवदत्त पड्डीकल को बनाते हैं। मात्र 1% लोगों ने इनको अपना वाइस कैप्टन बनाया है, और आप देख रहे हो सारी पब्लिक यहाँ पे क्विंटन डिकॉक के साथ जा रही है, जो कि लास्ट मैच में अच्छा परफॉर्मेंस किया था उस वजह से, और कैमरन ग्रीन के साथ भी जा रहे हैं क्योंकि ये बॉलिंग भी कर लेते हैं, इस वजह से लोग इनको भी सिलेक्ट कर रहे हैं। और जरूरी नहीं कैमरन ग्रीन आज के मैच में परफॉर्म करें। यहाँ बात कर लेते हैं ग्लेन मैक्सवेल भी आपके ऑप्शन हो सकते हैं। अगर आप दोनों टीमों से प्लेयर आप कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना चाहते हैं तो कैप्टन विराट कोहली, वाइस कैप्टन आप मैक्सवेल को कर सकते हैं, क्योंकि मैक्सवेल का बैटिंग लाइनअप देख लें तो 4 नंबर पे है। कैमरन ग्रीन भी आपके ऑप्शन हो सकते हैं, यहाँ पे कैमरन ग्रीन को भी आप बना सकते हैं, लेकिन अभी के लिए हम यहाँ पे कैप्टन वाइस कैप्टन में विराट कोहली और वाइस कैप्टन देवदत्त पड्डीकल को बना रहे हैं। प्रीव्यू कर लेते हैं किस प्रकार से टीम है, यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस प्रकार की टीम बनी हुई हमारी, विराट कोहली कैप्टन और देवदत्त पड्डीकल को हमने वाइस कैप्टन बनाया है। बाकी हमारे पास ऑलराउंडर सेक्शन में आपको ऑप्शन और मिल जाते हैं, यहाँ पे आप कैमरन ग्रीन को और ग्लेन मैक्सवेल को भी वीसी का ऑप्शन दे सकते हो, ये दोनों भी आपके वीसी के ऑप्शन हो सकते हैं, कैप्टन और वाइस कैप्टन भी इनको आप दे सकते हो। तो यहाँ से हमने इस प्रकार से टीम क्रिएट कर ली है, आपको थोड़ा सा वेट करना, जैसे ही लाइनअप आउट होता है आपको टीम से रिलेटेड जो भी अपडेट रहता है, कैप्टन वाइस कैप्टन जो भी मुझे चेंजेस करने हैं वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको एक वीडियो की टीम हो जाती है जहाँ पे आपको 2 ग्रैंड लीग की टीम और साथ ही साथ स्मॉल लीग और हेड टू हेड की टीम वहाँ पे दी जाती है, एक आपको हाई रिस्क की टीम दी जाती है। तो आपको करना क्या है, आपको 2 से 3 अगर आप ग्रैंड लीग लगा रहे हैं तो 2 से 3 टीम आपको ग्रैंड लीग में लगाना है। तो इस तरह से अगर मुझे कैप्टन वाइस कैप्टन कोई भी अपडेट करना होगा ये आपको टेलीग्राम चैनल पर मैं अपडेट कर दूंगा, तो टेलीग्राम से चैनल से आपको जुड़ जाना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन जाना है, वहाँ पे लिंक पे क्लिक करके उसको आपको फटाफट ज्वाइन कर लेना है अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो।